या तो भाई आप अपनी वीडियो हटा लो। गाइस आपको पता ही है कि थगेश एंड रजत दलाल के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई है एंड अब फिर से रजत दलाल ने रिप्लाई करा थगेश को। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई थगेश भाई साहब से, फोन उठाते नहीं है भाई, रिप्लाई इन्होंने मेरा कोई दिया नहीं। या तो भाई आप अपनी वीडियो हटा लो, बाकी अगर आपको लगता है उस पर एंगेजमेंट अच्छी आ गई है, कमेंट अच्छे हैं, व्यूज अच्छे हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी बना के डाल दो कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मैंने बंदे से पूछा नहीं उसके बारे में, ये सब डालने से पहले। बहुत लॉजिकल चीज है, सेंसफुल है कि आपका पूछना बनता था, आप एक अच्छे खासे ऑडियंस को मॉनिटर करते हो, आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, आप इस तरह की हरकत करते हुए अच्छे नहीं लगते। बाकी मेरे को इस पार्ट पे कोई एंगेजमेंट लेनी नहीं है, अब आगे की चीजें उसी हिसाब से होंगी जैसे आपकी पार्ट पे रिस्पॉन्स। एंड उसके बाद थगेश ने कुछ ये बोला। पहली बात तो ये मेरे को ना वीडियोस बार बार बनाना पसंद नहीं आ रहा है, मैं ये मेरे लिए है नहीं ये चीज़, एंड इतने साल से कर रहे हैं कभी वीडियो डिलीट नहीं किए, बहुत बड़े बड़े लोग आए सबने बोला वीडियो डिलीट करने, वीडियो डिलीट नहीं होती ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो प्यार प्यार से स्टोरी डालते हैं ना कि धमका नहीं रहा हूँ प्यार से बोल रहा हूँ, सब समझता है कौन कितने प्यार से बात कर रहा है कौन कितना धमका रहा है, मेरे को अभी तक नहीं समझ रहा है जो बंदा पूरा टाइम बुलिंग करता है उसकी स्किन इतनी थिन कैसे हो सकती है, मतलब पता है वो स्टेरॉइड से स्किन थिन हो जाती है, लेकिन नहीं वीडियो डिलीट नहीं। एंड अब फिर से रिप्लाई में रजत दलाल ने ये लिखा। सब्सक्राइब करके रख लेना और ऐसे वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना।